सोनी लिव पर शुरू हो रही है एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है अदृश्यम, स्टारिंग एजाज खान एंड दिव्यांका त्रिपाठी। इसी के लॉन्च इवेंट पर शो की कास्ट ने करी मीडिया के साथ कुछ खास बातें, देखिए पूरा वीडियो। अदृश्यम सर मतलब काफी ऐसा नाम है जो काफी राज छुपा रहा है। सर आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, और इसमें जो आपने कास्टिंग की इज अमेजिंग, इस पे हम बाद में बात करेंगे, व्हाट इज योर आईडिया ऑन दैट। कास्टिंग के लिए तारीफ करने के लिए थैंक यू। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे ऐसे हीरोज हैं जो कि बड़े से बड़ा काम भी करते हैं देश के लिए, क्योंकि उनको सामने रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता, वो मीडिया में नहीं आ सकते। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसा शो बना पा रहे हैं कि कम से कम उनको एक इज्जत तो नहीं, मैं बोल सकता हम लोग की इतनी हैसियत नहीं कि हम उनको इज्जत दें, बट उनको एक पहचान और एक लोगों को, पब्लिक को, जनता को बताने के लिए कि देखो हमारे बीच में कितने बड़े हीरोज हैं, कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं, वो आपके बीच में से कोई एक है जिसको आप जानते नहीं होगी कि ये हो सकता है जो आपको पीछे खड़ी है वो आई हो, है ना। तो उनको एक पहचान देने के लिए, पहचान भी नहीं बोलूँगा, आई थिंक गलत शब्द बोल रहा हूँ, बट उनके लिए ये शो है। पब्लिक को, भारत की जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो इस देश को सेफ रखने का काम करते हैं, और उनको कोई भी उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिल सकता, वो ये बात वो जानते हैं। अवार्ड ना रेजिग्नेशन, स्पेशली आज के दौर में हम जो भी करते हैं हम सोशल मीडिया पे डालते हैं या इसलिए करते हैं ताकि कुछ लोग देखें और उसकी तारीफ करें। हमारे देश में नहीं, बाहर भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं सर्विस के लिए, और उनके काम में ही ऐसी चीज़ होती है कि वो ना सामने आ सकते हैं, ना क्रेडिट ले सकते हैं, ना कोई उन्हें क्रेडिट देता है। इनफैक्ट वी वेरी सरप्राइज जब इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग शहीद भी होते हैं तभी भी उनको रिकॉग्निशन, एक सिर्फ मेडल में। सर आपके कैरेक्टर की बात करो तो काफ़ी ऐसे अलग अलग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपने देखे, जवान में हमने आपको देखा, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। हमने इसमें जो क्लिप्स देखे हैं आप इसमें अंडर कवर काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस, किस तरीके का हम इसमें आपको देख सकते हैं? मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगा, अब तक जो भी कैरेक्टर ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए हम अगर अग्रेसिव होते हैं तो वो अग्रेसिव दिखा देते हैं, हम अगर अथॉरिटेटिव होते हैं वो दिखा देते हैं, उनके बावजूद एक और अपनी अच्छाई को कभी नहीं, और वही तीनों चीज़ दूसरों में भी ढूंढते रहता है, और वो कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से, कुछ भी तरीके से किसी का भी नुकसान ना हो, कोई ना कोई, या अपने और अलोका जी है जो एजेंसी से होते हैं, तो बहुत सारे लोग दे हैव मेड श्योर, दे हैव मेड श्योर दैट हम कहीं नहीं पड़ता, कोई भी एज रास्ते पर चल रहा है या इजाद, तो वो अलग नहीं होता, इनविजिबल अलग दिखे या हीरो की तरह हीरो स्पेशल उसके बारे में, तो वो सब चीज़ें हमने ध्यान में रखते हुए जैसे बहुत नॉर्मलाइज किया है। नॉट ओनली जब हम एजेंसी का काम कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी, मतलब उनके रियल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी हमने बहुत कोशिश की है, वो बहुत नॉर्मल रहे जो काम जिंदगी में होता है, वैसे सिचुएशन है उनमें अपने आप एक ह्यूमर निकलता है, तो वैसे रखें। बाकी तो आप देखिए और आप जज कीजिए कि हम किस एकॉर्ड में कितने कामयाब हैं। देखेंगे तो यू गेट हुक्ड बिकॉज़ हम आपको आपके जैसे नजर आएंगे।
एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिव्यांग एंड मी आर नॉट कास्ट ऑपोजिट ईच अदर, वी हैव अ डिफरेंट फैमिलीज, बट यू विल सी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन रवि वर्मा एंड पार्वती साइदर. उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो सब कुछ अपने लोगों को नहीं बता सकते, ना अपने काम के लोगों को, ना अपने फैमिली को. ये दो ही हैं जो एक दूसरे में कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. राइट, जैसे कि इजाज़ ने बताया उनके लिए तो भारी था, लेकिन वो 3 महीने आप घर में थी, विवेक की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिला उस सर्जरी से जब आप रिकवर कर रही थी, या उस दौरान कितना सपोर्ट मिला है? कोई अवार्ड है क्या, स्वीटेस्ट हस्बैंड एवर वाला विवेक को दे देते हो? क्योंकि नहीं, उन्होंने सच में बहुत पेशेंस रखा मेरे, क्योंकि एक वो पेनफुल प्रोसेस होता है और उसमें मैं बहुत फोकस्ड थी कि मुझे कहीं पहुँचना था. और उनके लिए पहले वो हमेशा बोला करते थे वर्कआउट करो वर्कआउट करो करो, इस बार ऐसा था कि मुझे करना ही नहीं, बस ट्राइंग टू स्टॉप मी कि नहीं पहले हील हो जाओ उसके बाद में तुम्हें जो करना है. सो ही रियली हेल्प मी विथ माई एंटायर स्केचिंग अप ऑफ दिस वर्कआउट प्लान कि मैं कैसे फिजियोथेरेपी करूँ कब करूँ. ही वॉज अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रोसेस. तो हाँ, यहाँ पे शायद हमारे प्रोजेक्ट में उनका भी थोड़ा योगदान है. अपॉइंटमेंट है आप लोगों का हमारे साथ, याद रखिएगा इट इज ऑन 11th of April थर्सडे. क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? मैं तो शो के बारे में ही कहना चाहूँगा, जैसे शो निकल गया तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो क्लिप्स आपने शेयर की है अपने सोशल मीडिया पर वो बता रहा है कि कितनी मेहनत की है आपने अपने पर्टिकुलरली इस किरदार के लिए. टेल अस लाइक यू वेंट थ्रू व्हाट, किस किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा इस किरदार के लिए? असल में इस किरदार के लिए मैंने जितनी मेहनत की, इस पूरे शो के लिए सब उतनी ही मेहनत कर रहे हैं. ये एक पहला ऐसा शो है जिसमें मैं देख रही हूँ कि हर एक एक्टर इंटेंसली इन्वेस्टेड है शो में. हमारे जो डायरेक्टर भी है वो बहुत ही मेहनत करके शो की स्टोरी लाइन को इस हद तक फैक्ट्स के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जब देखें तो आपको लगे कि हाँ, दिस इज समथिंग वेरी रियल जो आप विटनेस कर रहे हैं. इट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी ऑनेस्टली. अब बात अगर मेरी है तो हाँ, मैं एक सर्जरी के फेस से गुजरी और मैंने यहाँ कुछ चीज़ें प्लान किया कि मैं किस तरह से उस फेस से जब मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही वहाँ से आई कैन परफॉर्म वेल इनफ टू जस्टिफाई पार्वती, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे डाली है सचिन जी ने और मैं चाहती थी कि फुल जस्टिस कर पाऊँ. सो यस, आई बाउंस बैक एंड क्वाइट हैप्पी अबाउट द जर्नी. तीन महीने में घर पर बैठा था, सर्जरी भी रुका के रखा हुआ, शूटिंग शुरू होने लगी नहीं, शुरू होने लगी, साइन करके रखा था और कुछ करने लगी तो इतना सारा भरा पड़ा था ना मैं कि आते ही खूब एक्टिंग की हमने यार बहुत लोग. हम पर्दे के सामने आते हैं. आप इस वेब शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट शोबिज़ को.